स्टार्ट करते हैं आज सप्लाई के साथ। टैक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर हो चुका है, सो अभी स्टार्ट करेंगे अपन सप्लाई। ठीक है, अभी सोचोगे कि सप्लाई से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई थोड़ा सा लेंदी है। सप्लाई के होंगे तीन टाइप्स, जो कि हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं ये सारा जो मैंने लिखा है ना, मैं आपको मेरा हैंड रिटन नोट अवेलेबल कराऊंगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। सो फिर फॉलो करिए, मुझे इधर भी फॉलो करिए, वहाँ भी फॉलो करिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं मिलेगा नोट्स, और चाहिए तो आप लिख भी सकते हो साथ में, अगर आपको सही लगे तो आप लिखते जाओ। एट द एंड मैं सारे नोट्स टिक कर दूंगी, बट अगर आपको फिर भी नहीं लिखना है या फिर टाइम कम है, बस पढ़ना है, एक बार समझ के वापस पढ़ने जाना है, बस इतना ही टाइम है अपने पास, सो क्या करिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए बस, सबसे अच्छा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सप्लाई सेक्शन 7(1)(a) सेक्शन 7(1)(a) जीएसटी इन चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ। जीएसटी किसके किसके ऊपर चार्ज हो गया, क्या क्या सप्लाई करेंगे तो जीएसटी चार्ज होगा, तो गुड्स और सर्विसेज सच एज एसटीडी बेलर। देखो एसटीडी बेलर का फुल फॉर्म क्या है, सेल्स। कोई भी चीज़ अगर हम लोग सेल करते हैं ना, मतलब कि बेचते हैं, तब चार्ज होगा। टी से होगा ट्रांसफ़र, मतलब कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा जीएसटी पे भी चार्ज होगा। फिर डिस्पोजल पे भी चार्ज होगा, एक्सचेंज पे, लेस पे मतलब रेंट पे दिया है, लाइसेंस पे चार्ज होता है। उसके बाद लाइसेंस, जैसे अभी कोई भी अपने को अल्कोहल का शॉप खोलना है तो अपने को लाइसेंस उसके ऊपर चाहिए होता है, तो उसके ऊपर भी चार्ज होता है। और रेंटल अपार्टमेंट कोई भी रहा तो उसके ऊपर भी चार्ज होता है, ठीक है। और ये बाटर सिस्टम पे कोई गुड्स अगर लिया ना, तो उसके ऊपर भी चार्ज होता है। मैं भूल गई एक्सप्लेन करना, बाटर सिस्टम पे कभी कभी गुड्स हम लोग लेते हैं ना, कि इस गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स दे देते हैं, तो उस पर भी क्या होगा, जीएसटी जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। सेक्शन कौन सा है, 7(1)(a) मैड और अ राइट टू बी मैड, मतलब बन चुका है और बनने वाला है, बाय अ पर्सन, हो गया है या फिर होने वाला है, बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, मतलब इसके मतलब अपने को कुछ मिलने वाला है, कैश मिलने वाला है, तो ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब मिलना चाहिए ना अपने को कुछ, तो वरना क्या मतलब है, लेकिन नहीं, ठीक है। देखते हैं कंसिडरेशन, आई होप सो क्लियर दिख रहा हो। मैं थोड़ा अभी टेक्नोलॉजी यूज़ करना अच्छे से सीख रही हूँ, सो इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैंने नया नया सब कुछ लिया है, तो मुझे उतना अच्छे से यूज़ करने नहीं जम रहा है अभी, पर मैं ट्राई कर रही हूँ मेरे कंफर्ट लेवल में आपको पढ़ा पाऊँ, सो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। कंसिडरेशन सेक्शन 2(31) ये हम पहले बोलते हैं, अभी जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, कि मतलब उसका मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन मतलब क्या, तो ये कौन से सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 2(31) में, ठीक है। ये ना अपने को आ सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए, इसलिए मैं इतना मेहनत की हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं मेहनत नहीं करती बिल्कुल, ठीक है। देखते हैं अभी, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड। कंसिडरेशन कहाँ पे इंक्लूड होता है, गुड्स के सप्लाई में होता है, सप्लाई मतलब लेन देन में वहाँ पे आता है। पेमेंट टू बी मेड और राइट टू बी मेड इन द मनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज अ पेमेंट मे बी मेड बाय रेसिपिएंट और बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। इसका थोड़ा सा तुमको लगा होगा, नहीं क्या बोला अभी, अपने को तो कुछ समझा नहीं है, ठीक है, तो अब उसको समझाते हैं अपन, ठीक है। देखते पेमेंट मेड मतलब पेमेंट या फिर दे दिया है या फिर देने वाले हैं, इन किस में, मनी में, पैसे में। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज अ पेमेंट मे बी मेड बाय रेसिपिएंट, मतलब पेमेंट हुआ है, मेड मतलब पेमेंट दिया है अपन ने, किसने, रेसिपिएंट ने, मतलब जिसने गुड्स खरीदा है ना उसने पेमेंट किया है, और बाय रेसिपिएंट और बाय एनी
रेसिपियंट या फिर उसके बिहाफ पे, मतलब बिहाफ पे, जैसे तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा नोटबुक चेक करवा दिया टीचर से, प्रैक्टिकल तुम्हारे चेक करवा दिए, वो क्या हो गया, बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद बट डज नॉट इंक्लूडेड सब्सिडरी गिवन बाय द CGST और SGST, मतलब कि इसमें सब्सिडरी इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। डिपोजिट गिव इन रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल नॉट बी कंसिडर्ड डिपोजिटरी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट अनलेस द सप्लायर अप्लाइड सच अ डिपोजिट टू कंसिडरेशन फॉर अ सच अ सप्लाई, मतलब जब तक सप्लायर उसका कुछ कंसिडरेशन, मतलब पैसा पेमेंट नहीं देगा, तब तक उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा बोलते हैं उसके लिए GST के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स जो है वो सप्लायर है, मिस्टर वाई जो है वो रेसिपियंट है। मिस्टर वाई सप्लायर जो था, सप्लायर ऑफ गुड्स, जो सप्लायर उसने सप्लाई किया गुड्स का, और सप्लायर जो था उसका पेमेंट जो गुड्स था अपना, वो कितने रुपए का था, 3 लाख रुपए का था, ठीक है। तो जो रेसिपियंट है उसने कितना पेमेंट किया, 1,40,000 उसने पेमेंट किया, और रेसिपियंट ने पेमेंट कर दिया मिस्टर जेड को, मिस्टर अपने भी, मतलब ये होता है ना अपने भी हाफ पे, कि मतलब ये जो है ना रेसिपियंट, इसका इससे कुछ तो इसने कुछ इसका गुड्स लिया हुआ है, तो इसने क्या बोला कि मैं तुमको पेमेंट कर देता हूँ, तुम मेरे बिहाफ पे, मतलब मेरी तरफ से मिस्टर एक्स को पेमेंट कर देना, ठीक है। तो इसने 1,40,000 अपने बिहाफ पे पेमेंट किया, और जो है रेसिपियंट 1,60,000 इसके बिहाफ पे पेमेंट किया, जो कि बचा हुआ था, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, यही जो इधर पे अपना पढ़ा ना हम लोगों ने पेमेंट वाला, उसके बारे में पूरा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ये समझ लो वही है कि मतलब एक के बिहाफ पे दूसरा अगर पेमेंट करता है और पूरा पेमेंट हो गया ना, इन दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। चलते हैं आगे, अब आगे पढ़ेंगे अपन पर्सनल का डेफिनेशन। पर्सन, अभी GST में पर्सन किसको कंसीडर किया जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। पर्सन सेक्शन 284, कंसीडरेशन था सेक्शन 231 और ये है 84, ठीक है। पर्सन इंक्लूडेड, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल मतलब कोई एक इंसान, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, पार्टनरशिप फर्म मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म है या LLP, और कंपनी, और AOP और BOI, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। वेदर इनकॉर्पोरेट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो चाहे इंडिया में चल रहा है उसका बिजनेस, चाहे इंडिया में चल रहा है, इंडिया में बना हुआ है, या फिर कोई और अदर कंट्री में बना हुआ है, फिर भी उसको पर्सन में कंसीडर किया जाएगा। एनी स्टेब्लिशमेंट विच सेट अप अंडर द सेंट्रल अकाउंट और स्टेट एक्ट, सेंट्रल एक्ट आएगा इधर पे, सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और प्रोफेशनल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट, इसमें से अगर किसी भी एक्ट में कोई भी पर्सन जो है रजिस्टर्ड है तो उसको भी पर्सन कंसिडर किया जाएगा। एनी बॉडी कॉरपोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब कि और कोई भी कंट्री से अगर वो इनकॉर्पोरेट है, और किसी कंट्री में भी, ज़रूरी नहीं है इंडिया की ही कंट्री में हो, और किसी कंट्री के कॉरपोरेट बॉडी से अगर कॉरपोरेट बॉडी इनकॉर्पोरेट है अगर किसी कंट्री में, तो वो भी एक पर्सन कंसिडर किया जाएगा। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब जो वहाँ के लोग रह के वहाँ पे कुछ जॉब या फिर काम करते हैं वो लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो भी पर्सन कंसिडर किए जाएंगे। सोसाइटी डिफाइंड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, बोलते हैं ना सोसाइटी, कॉरपोरेट सोसाइटी, वो भी कवर होता है। ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट हो। एनी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट कवर्ड
मतलब इन सब में कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल जो दूसरी पर्सन है जो कि इन सब में नहीं कवर हुआ है वो भी पर्सन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अभी सेक्शन 7(1)(a) वहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके बाद हमने कंसिडरेशन ऑफ पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7(1)(b) इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विस को कहीं से मंगाना, अगर सर्विस को कहीं से हम लोग मंगाते हैं तो उसका क्या होगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी सर्विस इम्पोर्ट किया हुआ है मतलब दूसरे देश से लाया गया है अपने देश में और उसका यूज़ किया जा रहा है कंसिडरेशन में, पैसा मनी भाई ज़रूरी, ठीक है। अगर मनी भाई उसके बदले में मिल रहा है तो वो क्या होगा, उसको भी हम लोग उसको भी हम लोग सेक्शन 7 में कवर करेंगे और उसके ऊपर भी GST चार्ज होगा, ठीक है। सेक्शन 1(c) ट्रांजेक्शन विथआउट कंसिड्रेशन। ट्रांजेक्शन विथआउट कंसिड्रेशन एक्टिविटीज स्पेसिफाई इन शेड्यूल 1 विथआउट कंसिड्रेशन शेल ऑल्सो कंसिडर एज अ सप्लाई। शेड्यूल ए में कुछ 3-4 एंट्रियाँ हैं जो कि कंसिडर किया गया है कि अगर वो मतलब कंसिड्रेशन नहीं मिला है तो भी वो क्या है, सप्लाई। अभी देखो अगर हमको कोई क्वेश्चन आया उसमें दिया हुआ है कि लाइक सर्विस प्रोवाइड किया गया और उसके बदले में अपने को पैसा मिला, लाइक थाईलैंड से मसाज वाली सर्विस मिली अपने को और उसके बदले हम लोग ने 1,000 रुपीज़ पे किया, बराबर। तो जो 1,000 रुपीज़ पे किया तो ये कंसिडरेशन वाला हो गया है ना, क्योंकि हमने 1,000 रुपीज़ पे कर दिया, तो वो कौन सा आएगा, सेक्शन 1(b). बट अभी मैं बोलती हूँ कि मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की गई इंडिया को USA से और जिसका 1,000,000 रुपीज़ उसका खर्च आया, बट उन लोग को हम लोग ने कोई मतलब वो सब हेल्प थी, बस नीडी थे इसलिए उन लोग ने हेल्प की, बट हम लोग उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं दिए, तो कौन से में वो जाएगा, सेक्शन 1(c) में जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। शेड्यूल 1 में क्या है, Entry 1, Entry 2, Entry 3, Entry 4, यहाँ पे देखते हैं अपन Entry number 4। थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई और बहनों क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ नया नया। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन मतलब कि जो टैक्सेबल पर्सन है उससे अगर कोई सर्विस हम लोग लेके आए हैं, इम्पोर्ट किए हैं, अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड मतलब जो कि आउटसाइड इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, मतलब इधर इंडिया में है ही नहीं, बाहर साइड इंडिया से हम लोग लेकर आए हैं, उस पर भी हम लोग को क्या होगा, जो GST है वो चार्ज होगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, Entry number 4। अभी Entry number 3, 2, 1 बाकी है, ठीक है, देखते हैं। Entry number 1 एनी परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच ITC विल अवेल्ड विथआउट कंसिडरेशन सेल ऑल्सो कंसिडर एज अ सप्लाई। कोई ऐसा चीज़ जो कि परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया मतलब यहाँ से हटके सीधा वहाँ पे चला गया है, जैसे कि यहाँ पे मेरा शॉप था ना, अब ये मेरी शॉप बंद कर दी, इसको क्लोज डाउन कर दिया और यहाँ पे मेरा नया शॉप खोल दिया। तो ये जो स्वप्निल है इसके यहाँ पे ये राज काम करता है, तो उसने बोला कि आप अपने बिहाफ पे मुझे एक AC लेके दे दो, उसका जो चार्जेस होगा वो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। और जो ITC, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको तो देना पड़ेगा GST और उनको ITC रिकवर नहीं होता है, तो इसलिए उसने क्या बोला कि आप अपने ऑफिस के नाम पे एक AC ले लो और वो बाद में मुझे दे देना और उसके बदले मैं आपको क्या दे दूँगा, कैश, ठीक है। तो स्वप्निल ने विजय सेल से एक AC लिया जिसका कॉस्ट था 40,000 और उस पर GST 72,000 लगा, तो टोटल उसका बन रहा था बिल इतने का 47,200 का, ठीक है। तो जब ही इसके बिहाफ पे मतलब स्वप्निल के बिहाफ पे लिया तो उसको ITC मिल जाएगा 7,200 का, तो इसने कितना रुपया दिया, 7,200, तो राज ने 43,000 इन कैश किसको दिया, स्वप्निल को दिया, तो उससे क्या हुआ, इसका GST बचेगा, इसके लिए ऐसा कुछ किया, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें दोनों चीज़ है, बट
अपन जीएसटी का जो चार्ज है वो कभी देखो परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया कि मतलब अभी वापस तो बोलेगा नहीं ना राज की राज स्वप्न वापस तो राज को बोलेगा नहीं कि राज तुम्हें रायसी ला के वापस कर दे, ऐसा नहीं बोलेगा ना, परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया है। बिजनेस असेट है, ये बिजनेस असेट है ना, पर इसने दिखाया क्या है कि ये गिफ्ट दिया है। किसने? स्वप्निल ने राज को क्या किया है, गिफ्ट किया है। ये बिजनेस के लिए खरीदा था ऐसा दिखाया, तो बिजनेस असेट है। ITC अवेल्ड मतलब ये ITC में रजिस्टर है जो स्वप्निल है, और विथआउट कंसिड्रेशन बिना कंसिड्रेशन के AC उसको दिया हुआ है। फिर भी क्या होगा ये अगर ऐसा कुछ रहा, एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को ऐसा कुछ गिफ्ट देता है जिसका मतलब कुछ गिफ्ट्स होती है जो कि बहुत कम चार्जेस की होती है और जो कि बोनस होता है, जो कि 6 महीने पे दिवाली बोनस होता है, वो सब तो कंपलसरी होता है, तो वो सब नहीं गिना जाएगा। बट ऐसा गिफ्ट जो कि राज को दिया स्वप्निल ने, वो तो वो भी कंसीडर होगा किसमें, एंट्री नंबर 1 में ये भी कंसीडर होगा, सेक्शन नंबर 2, 7-2B में। फिर देखते हैं एंट्री नंबर 2 को देखते हैं। एंट्री नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्ट्रिक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस विथआउट कंसिड्रेशन। मतलब कि कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई की गई है दो लोगों के बीच में, जैसा डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स अ पर्सन हैविंग 2 GST रजिस्ट्रेशन नंबर बट एट सेम पिन। अभी देखो कोई पर्सन है जैसे मिस्टर वाई है उसकी दो जगह पे कंपनी है, UP में कंपनी है, गोवा में कंपनी है। अब ऐसा तो दोनों अलग अलग जगह डिफरेंट, दोनों अलग अलग जगह पे, तो अभी ऐसा तो होता नहीं कि दो GST नंबर मिले, क्योंकि GST नंबर में क्या होता है, पिन कार्ड का नंबर होता है और स्टार्टिंग के दो नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे गोवा होगा वो उसका नंबर डिफर होगा, UP है उसका नंबर डिफर होगा, महाराष्ट्र का क्या है 47, ठीक है, ऐसे करके। तो आगे के जो दो पिन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो अगर यूपी से गोवा कोई भी चीज़ सप्लाई की गई, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया ना यही, कि मतलब रजिस्टर GST रजिस्ट्रेशन मिस्टर वाई का है पर दो जगह पे है और दोनों जगह पे अलग थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब आगे के दो नंबर डिफरेंट हैं, बस वो क्या हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन। और पेन नंबर जो होगा उसके बाद का वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इधर भी GST आएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। एंट्री नंबर 3, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और वाइस वर्सा। मतलब कोई भी सप्लाई प्रिंसिपल और एजेंट में हुआ, मतलब कि जिसका गुड्स है और एजेंट के बीच में हुआ, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हो सकता है। कंसिड्रेशन सेल ऑल्सो कंसिडर्ड एज सप्लाई, विथआउट कंसिड्रेशन हुआ फिर भी वो सप्लाई की तरह ट्रीट होगा। जैसे मिस्टर एक्स जो है वो प्रिंसिपल है जो कि है महाराष्ट्र में, मिस्टर वाई जो है वो गोवा में रहते हैं, वो अपने हो गए एजेंट। और वर्थ ₹5 लाख का गुड्स मिस्टर वाई को प्रिंसिपल ने सप्लाई किया। अब एजेंट तो मेरा ही है, गुड्स जो बेचेगा वो तो मेरा ही गुड्स बेचेगा ना, बट वो क्या है विदाउट कंसिडरेशन बेचेगा ना, क्योंकि जब भी उसको प्रॉफिट आएगा तो मेरे को पैसा पे करेगा ऐसा करके, ठीक है। विथआउट कंसिड्रेशन हुआ है बट सप्लाई हुआ है और उस पर GST चार्ज होगा, ठीक है। तो देख लिया, अभी देखते हैं आगे। एक डेफिनेशन अभी बाकी रह गया है जो कि है रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? रिलेटेड पर्सन इंक्लूड ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मतलब कोई ऑफिस में कोई काम करता है या फिर ऑफिस कंपनी का जो है वो डायरेक्टर है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स इन द बिजनेस, मतलब जो पार्टनर्स है बिजनेस में वो, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय
या तो बिजनेस के जो पार्टनर है वो, या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मतलब वो जो होता है मालिक, एम्प्लॉय मतलब जो उसके अंडर में काम करता है। एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन होल्ड 25% और मोर देन आउटस्टैंडिंग वोटिंग राइट ऑफ शेयर्स, मतलब जो कि 25% या फिर उससे ज़्यादा का शेयर का वोटिंग राइट जिसके अंडर में आता है, वो भी क्या होगा, रिलेटेड पर्सन कंसिडर किया जाएगा। 1% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अनदर पर्सन, मतलब कोई पर्सन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर सकता है, वो मतलब इसको कह सकते हैं कोई सप्लायर। जैसे लाइक अगर मेरी पेन की फैक्ट्री हो और मुझे इंक प्रोवाइड ही ना किया जाए, इंक मेरे को मिले ही ना, तो क्या वो मेरे ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ना। अगर मेरे को इंक प्रोवाइड नहीं करेगा मेरा काम ठप्प पड़ जाएगा, तो वो भी आएगा इधर पे। मेंबर ऑफ सेम फैमिली के मेंबर, पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द थर्ड पार्टी, मतलब जो थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है वो, दोनों सेम ही हो जाएगा। अब इधर पे एक एग्जांपल है, टाटा मोटर्स, जैगुआर और एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो जो है जैगुआर कार डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टाटा मोटर्स को, कैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। बट जैगवार जो थर्ड पार्टी को वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसके लिए कितना ले रहा है, 6 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो जो टाटा मोटर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कैसे कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए सेक्शन 7(1)(c) में ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। बट जो थर्ड पार्टी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कैसे कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो कैसा होगा, सेक्शन 7(1)(b) से वो टैक्सेबल होगा। इसमें पैसा दे रहा है ना वो, कंसिडरेशन ये विथ कंसिडरेशन, ये विथआउट कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 7(2)(a) नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट क्या होता है, अचीवरी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, ये जो है वो किस में स्पेसिफाई किया है, शेड्यूल 3 में ये जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है, शैल नाइदर कंसीडर एज अ सप्लाई, शेल नाइदर कंसिडर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये जो है वो ना तो सर्विस में कंसिडर किया जाता है और ना ही सर्विस में कंसिडर किया जाता है और ना ही गुड्स में कंसिडर किया जाता है। तो क्या क्या आता है शेड्यूल 3 में वो देखते हैं। शेड्यूल 3, सर्विस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी सर्विस दिया जा रहा है किधर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो निगेटिव लिस्ट में आएगा, ठीक है, शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है। सर्विस प्रोवाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब कि कोई ऐसी जनजाति जो कि खतरे में है, या फिर बोलते हैं ना ट्रेबलेट किसको बोलते हैं, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, जो कि आदिवासी बोलते हैं ना हम लोग, वो सर्विस प्रोवाइड बाय एमपीएमएलए से जो भी सर्विस अपने को मिलती है वो भी नहीं कंसीडर किया जाएगा। एक्सिनेबल क्लेम इंक्लूडेड लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, एक्सिनेबल मतलब कि जिसमें लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ये सब में भी नहीं आएगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर कोई लैंड या बिल्डिंग जो है बेचा उस पर जो आएगा उस पर भी नहीं, और मोटरिटी ये सब जो है ना, ये क्या है, डेड बॉडी को जलाने के लिए जो यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं मोटरिटी, और फेनर्स वो सब जो होता है वो क्या कहते हैं, डेड बॉडी को जब दफनाते हैं या फिर जलाते हैं तो उसमें जो लगा ना उस पर भी कुछ चार्ज नहीं होता है, जीएसटी चार्ज नहीं होता है, निगेटिव लिस्ट में यही सब आते हैं, ठीक है। 3, सप्लाई ऑफ गुड्स, एक तरफ है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एक तरफ है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहले देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, इस वीडियो में मैं सप्लाई ऑफ गुड्स पर ख़त्म करूँगी, नेक्स्ट वीडियो सप्लाई ऑफ सर्विसेज से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि कवर होता है शेड्यूल 7(1)(d) में, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, अभी मैं कोई भी सामान बेच रही हूँ, जैसे अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रही हूँ तो उसको कैसे बेचूँगी, उसका टाइटल मैं दूसरे के नाम पे किया जाता है ना, तो टाइटल दूसरे को सेल किया, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन एनी अंडर द एग्रीमेंट ऑफ
फर्दर डेट, मतलब कि कोई हायरिंग परचेस होता है ना, जैसे रूम, रूम अभी जब ये परचेस करते हैं तो क्या होता है, हम लोग अग्रीमेंट बनवाते हैं ना, उसके हिसाब से 11 महीने के लिए रूम तुम्हारे नाम पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। एनी असेट ऑफ बिजनेस इज ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ वेदर और नॉट फॉर द कंसिडरेशन, मतलब स्क्रैप बोल सकते हैं, स्क्रैप जो होता है ना सामान, जिसको बेचने पे अपने को कुछ तो कंसिडरेशन मिलेगा, वो मतलब कंसिडरेशन के लिए नहीं बेचते, सॉरी स्क्रैप होता है, मतलब उसकी हमको जरूरत नहीं होती, वो वाला एसेट। एनी पर्सन हु केसेस टू बी टैक्सेबल पर्सन एनी गुड्स रिमेंड शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी चीज़ है जो कि बिजनेस की बिजनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, हम लोग को भेजना होता है, वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो देखते हैं, ए बी सी एक्सेप्शंस, ए बी एक्सेप्शंस है, और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ये, एनी पर्सन हु केस टू टैक्सेबल पर्सन एनी गुड्स रिमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी जो टैक्सेबल पर्सन है उसने अपना गुड्स किसी और पर्सन को सप्लाई किया है, वो इसमें एक्सेप्शंस है वो देखते हैं। तो एक्सेप्शंस है, बिजनेस इज ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न टू बी अनदर पर्सन, मतलब गोइंग कंसर्न उसका मतलब कि अभी भी मेरा बिजनेस, मतलब जो भी मेरा सामान है वो, कभी कभी देखोगे ना दुकान सेम होती है, उधर का प्रोडक्ट भी सेम होता है, जो प्रोडक्ट का चीज़ होता है वो भी सब कुछ सेम ही होता है, पर जो सेलर है वो चेंज हो जाता है, दुकान का नाम बदल जाता है, तो उस वो वाले केस में क्या होगा, वो वाला जो है वो एक गोइंग कंसर्न है, कि मतलब चालू है तभी, ये कभी होगा जब ही होगा कि मतलब पूरा अपना जो है बंद हो गया है, अपना पूरा शटर गिरा दिया है, बंद हो गया है, अब वो बिजनेस नहीं चल रहा है मेरा, तो गोइंग कंसर्न नहीं, मतलब चल नहीं रहा है, फिर उसको दूसरे को बेच दिया, तो वो इसमें आएगा, पर ये जो है ये क्या है, एक्सेप्शन है, कि मतलब गोइंग कंसर्न है फिर भी बेचा है। बिजनेस इज कैरेड बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या होगा, डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन है, वो भी टैक्सेबल पर्सन है, तो ये दोनों जो है वो एक्सेप्शंस है, और ये पॉइंट नंबर 4 का, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अदर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू इट्स मेंबर, मतलब कोई भी गुड्स जो है वो सप्लाई हुआ है AOP और BOI पीछे पढ़ा था ना, टू इट्स मेंबर, उसके मेंबर को कोई भी गुड्स जो है वो सप्लाई हुआ है, गुड्स कोई भी बेच गया है बाहर, तो वो भी क्या होगा, सप्लाई में कंसीडर होगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज कल पढ़ेंगे, उसके आगे का भी कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।